आर यू एट दैट स्टेज इन योर लाइफ वेर योर पेरेंट्स यूज एवरी अदर एक्सक्यूज टू रिमाइंड यू कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है एंड इट्स हाई टाइम यू सेटल डाउन. अरेंज मैरिजेस आर नॉट अ न्यू थिंग इन इंडिया. हमारे यहाँ तो ये प्रथा बरसों से चली आ रही है वेर पेरेंट्स डिसाइड ऑन आर लाइफ पार्टनर्स कीपिंग इन माइंड द फाइनेंशियल कास्ट एंड एजुकेशनल पैरिटी. एंड ऑनेस्टली इसमें कुछ बुरा भी नहीं है एज लॉन्ग एज द चिल्ड्रन हैव कंसेंटेड टू इट. हाँ, आप ये कह सकते हो दैट इट्स टेक्निकली लाइक अ फर्स्ट डेट ओनली, बट मीटिंग योर पोटेंशियल लाइफ पार्टनर ऑन एन अरेंज मैरिज डेट इज अ लॉट मोर सीरियस. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस विच आर मीनिंगफुल टू यू आपको अपने पार्टनर से जरूर पूछने चाहिए. पहला है, व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं कि बस अब राइट एज हो गई है तो शादी कर लेनी चाहिए, अब बस सेटल होना है, माय फैमिली वांट्स मी टू गेट मैरिड और आई वांट टू स्टार्ट माय फैमिली एटसेट्रा एटसेट्रा. सो बीइंग अ गर्ल, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो अहेड विद दीज रीजंस और यू लुकिंग आउट फॉर अ मैन हु वुड वांट टू गेट मैरिड बिकॉज ही वांट्स टू हैव अ कंपेनियन फॉर लाइफ. वो शादी किसी प्रेशर में तो नहीं कर रहा है एंड रादर शादी करने से उसको खुशी मिलेगी भी या नहीं. तो आपको ये उसके आंसर से ही समझ आ जाएगा दैट द डिसीजन ऑफ मैरिज इज हिज ओन एंड इज नॉट बीइंग टेकन अंडर एनी इन्फोर्समेंट और सोशल ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट इज, व्हाट वुड यू एंड योर फैमिली एक्सपेक्ट फ्रॉम योर वाइफ. सम मेन टेंड टू लुक फॉर वाइव्स हु कैन कुक वेल, कीप देयर होम्स प्रेजेंटेबल, गिव बर्थ टू देयर किड्स, लुक आफ्टर देम एटसेट्रा. Which is absolutely fine if a person wants to do that. But for someone जिसको ये सब नहीं करना है तो उसे पहले ये सारी बातें कर लेनी चाहिए. आपकी अभी तक एक lifestyle रही है तो ये question पूछने से आपको पता चल जाएगा कि आप उसकी और उसकी family की expectations पूरी कर भी पाओगे या नहीं. It's on you to decide कि आपको कितना adjust करना है और कितना नहीं. Next is, would you have a problem if I pursue my career, study, travel, work after marriage? और वर्क आफ्टर हैविंग किड्स. नाउ इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस इट इज स्टिल बिलीव्ड दैट औरत की जगह तो किचन में ही होती है. तो अगर आपके कुछ एस्पिरेशंस हैं, आपको उनको फुलफिल करने हैं तो बाद में रकस क्रिएट हो इससे बेटर है कि आप पहले ही ये सारी चीजें क्लियर कर लें, इवन इफ यू आर 100% कॉन्फिडेंट दैट दे वुड नॉट अपोज योर एस्पिरेशंस. नेक्स्ट इज, आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर माई पेरेंट्स फाइनेंशियली, सो वुड यू एंड योर फैमिली माइंड. It shouldn't matter if you're a son or a daughter. If you want to support your family, then the support comes from within. अगर आपको लगता है कि आप इतने financially stable हो, then you should never be held back if you wish to look after your parents. It's your right to ask this simple question straight up instead of goofing up later. Next is, what is his idea of planning for savings and expenses? इतना तो हम अपने friends, relatives and parents से भी discuss कर लेते हैं, तो अपने होने वाले partner से क्यों नहीं? Listen to his plans carefully and try to analyze his financial planning. It would help you to weigh the person's maturity level as far as money matters are concerned. आप इससे अपना decision और clearly ले सकते हो whether his mindset is matching with yours or not and whether you want to go ahead with it or not. ऐसा कुछ नहीं होता है that marriages are made in heaven because it needs bonding, understanding, trust, respect, maturity and compatibility to make it work. तो आप अपना time लो and don't rush into knowing all about the person on the first day itself. In the end, it's all about you and your choices. अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटली हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद इट. सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोस बाय अस.